जिम, बेड, लिस्ट ऑफ बेड, मैन पावर आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये एक टेंडर है, अब ये टेंडर देखते हैं, ये टेंडर भरने का। कंटेंट एग्जिट बिट सर, यदि मेरा एक कैटलॉग पब्लिश्ड है तो ही मैं टेंडर भर पाऊंगा, नहीं तो नहीं भर पाऊंगा। ये कैटलॉग पब्लिश्ड होना चाहिए, मैन पावर आउटसोर्सिंग का पार्टिसिपेट। सेम, नो नो यस, सिलेक्ट पब्लिश्ड है इसलिए मैं टेंडर भर पा रहा हूँ। आप जब तक कैटलॉग सर्विसेज में वो नहीं डालोगे तब तक ये ऑप्शंस नहीं आएगा, आपको सीधा बाहर फेंक देगा, जैसे मुझे अभी प्रोडक्ट बिड में भेज रहा था। सिलेक्ट कैटलॉग, उसको 8 लोग चाहिए, क्या चाहिए? ऑफिस प्यून, ऐसे ही अकाउंटिंग वगैरह के लिए। अनस्किल्ड अनस्किल्ड अदर्स में, तो यहाँ पे मुझे अदर्स में चेंज कर दो। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, इनकेप्टन सेफ, हो गया। कंटिन्यू। अब रेट, रेट इसमें किसमें डाला जाए, डालना पड़ता है परसेंटेज में, सर्विस चार्जेस बोलते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से वेजेस फिक्स रहता है, वो कहाँ पता चलता है? टेंडर में, टेंडर में आपको वेजेस दे दिया है, इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर आपके सर्विस चार्जेस क्या रहेगा, वेजेस यहाँ लिखा रहता है। टेंडर 462 मिनिमम मिलेगा पर डे का, 3.8 पॉइंट बोनस मिलेगा, ईएलडीआई 2 रुपये 31 पैसा मिलेगा, ईपीएफ 2 रुपये 31 पैसा मिलेगा, 15 रुपया ईएसआईसी मिलेगा, 55 रुपया प्रोवाइडेंट फंड मिलेगा, 26 दिन का काम है, 11.5 मंथ के लिए आपको देना। तो उसके ऊपर हम लोग सर्विस चार्ज डाल दिए, इसके ऊपर मिनिमम 3.85 डालना ही पड़ता है, उसके ऊपर आप 99% तक डाल सकते हैं। अब मेरा एस्टिमेट प्राइस आ जाएगा, मैं टोटल कितने में टेंडर कोट कर रहा हूँ। 8 आदमी के लिए 3.85 सर्विस चार्जेस, 462 मिनिमम वेजेस, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल आ गया, उसमें 3.85 आपका सर्विस चार्जेस ऐड हो गया, 6,77,000 में मैं टेंडर को कोट कर रहा हूँ। प्रोसीड, सेम इनक्रिप्टन सेव एंड ओके। बस इसमें भी वही है, आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और टेंडर सबमिट करो। क्लियर है? सर्विस बिड में कोई डाउट्स है अभी? इसमें सिर्फ याद एक ही चीज का रखना है, सर्विस बिड में या प्रोडक्ट बिड में जो कैटेगरी में कैटलॉग होगा उसका पहले आपको कैटलॉग एक पब्लिश करना है, उसके बाद ही आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बोलिए कोई डाउट्स है? अब आते हैं सर्विस बिड में, कस्टम सर्विस बिड में कैसे भरते हैं। कस्टम सर्विस बिड के लिए आपको एक कैटलॉग पब्लिश करना है, याद रखें, एक बार, प्रोडक्ट की तरह नहीं, बार बार। हमें एक कंप्यूटर का आया तो अलग, कहीं पर भी कंप्यूटर का आया तो अलग कैटलॉग बनाओ, लैपटॉप का है तो अलग बनाओ, एलईडी लाइट का है तो अलग कैटलॉग बनाओ, कस्टम में, सर्विस में ऐसा नहीं, एक बार कैटलॉग बना देना। एक बार आपने कैटलॉग बना दिया, अब हमेशा आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैटलॉग क्या रहेगा? कैटलॉग सर्विस एड न्यू ऑफ, सर्विस का नाम है कस्टम बिड फॉर सर्विसेस।
इसमें आपको एक बार रेड सीट डालना है, प्राइस ऑन डिमांड पे क्लिक करो, डैश डैश यस यस करो और सेव करो। एक बार ये सर्विस बिड में आपने कैटलॉग डाल दिया, अब आप कोई भी कस्टम बिड का टेंडर भर सकते हो। बिड, लिस्ट ऑफ बिड, कस्टम बिड में आप सर्विस में, अब कस्टम बिड देखो ऐसा लिखा रहता है, ये कस्टम बिड फॉर सर्विसेज लिखा रहा, तो ये कस्टम बिड है। अब मैं कोई भी टेंडर भर सकता हूँ, अब मुझे उसके लिए कोई कैटलॉग बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मैं अब टेंडर भर सकता हूँ। एक बार एक कैटलॉग से पब्लिश होना चाहिए। बिड कंटेन एग्जिट बिड सर्च, और यहाँ पे डायरेक्ट। अब कोई भी कस्टम बिड आप भर सकते हो एक बार कैटलॉग बनाने के बाद डायरेक्ट। सिर्फ सेलेक्ट कैटलॉग, इनके सिर्फ यहां रेट लमसम में डालना होता है, क्वांटिटी एक ही रहेगा, रेट लमसम में डालोगे। आपको 8,43,000 में डालना है तो डायरेक्ट 8,43,000 डाल, लमसम में रहता है, बस इतना ही। आगे प्रोसीड करो, आगे सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस रिपीट होगा जैसे हम लोग इससे पहले के टेंडर में किए थे। तो ये सब है टेंडर डालने का, मतलब आप भरने का तरीका। टेंडर बदल गया, तरीका बदल गया।